नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से आ रही है, जहां पर बीते दिन हाईवे पर एक टैंकर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के दौरान उसमें आग लग गई, जहां स्टेयरिंग में ड्राइवर के फंस जाने के कारण आग में झुलस कर मर जाने की घटना सामने आई है। हालांकि आग लगने के बाद स्थानीय नागरिकों द्वारा ट्रक चालक को रेस्क्यू करने की कोशिश तो की गई, लेकिन भीषण रूप से आग लगना और स्टेयरिंग में उसके शरीर का फंस जाना उसकी मृत्यु का कारण बना। आप तस्वीरों में तो देख रहे होंगे, जो देखने की हिम्मत नहीं कर रही, लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने पूरी प्रयास की, पर ड्राइवर को नहीं बचाया जा सका। प्राप्त हुई कि एक ट्रक का रोड एक्सीडेंट की वजह से इसमें आग लग गई है। यह भी पता चला कि ड्राइवर जो है वो संभवतः उसी में फंस गए हैं, तो और उसमें एक्सीडेंट के कारण आग भी लग गई थी ट्रक में। तो जो लोकल्स हैं उनके द्वारा उनकी मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील वगैरह से दबे हुए थे, तो इसलिए उनकी मौके पर मृत्यु, दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा राहत बचाव का कार्य इस समय आपके सामने किया जा रहा है। ट्रैफिक भी, क्योंकि ये NH है, इस पर जाम लग गया था, तो वो जाम ट्रैफिक को भी सिंगल लेन करके ईज आउट कराया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई अन्य कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं मौके पर हूँ और साथ में पुलिस स्टाफ और फायर ब्रिगेड से CFO भी हैं, CO भी हैं लोकल।